हाय एवरीवन, क्या हाल हैं, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे और वेलकम करते हैं आप सबको हमारे चैनल दीपाल टिप्स में। वेयर्स आज की हमारी इन्फॉर्मेशन डाल्टा कॉर्ट्रेल 5 मिलीग्राम टेबलेट के बारे में होगी। वेयर्स आज हम जानेंगे इस टेबलेट के फायदे, साइड इफेक्ट और जानेंगे कि कैसे इस टेबलेट का इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले हम इस टैबलेट की कंपोजिशन के बारे में जानते हैं। कंपोजिशन इसके प्रेडनिसोलोन है और इस टैबलेट का जनरल काम कोर्टिकोस्टेरॉइड्स और इन्फ्लेमेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है और जो कंपनी इसको तैयार करती है वो फेजर फार्मास्यूटिकल तैयार करती है। वेज डिटेल में जाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेडिसिन से रिलेटेड आने वाली हर न्यू अपडेट्स का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। व्यूअर्स अब आए जानते हैं मज़ीद इस टैबलेट के फ़ायदे और जानते हैं कि और किन किन सूरतों में इस टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। व्यूअर्स ये टैबलेट स्किन की हर किस्म की एलर्जी के लिए इस्तेमाल होती है और ये टैबलेट जोड़ों में दर्द के लिए भी इस्तेमाल होती है और इसके अलावा व्यूअर्स ये टैबलेट मौसमियाती एलर्जी के लिए भी इस्तेमाल की जाती है और ये टैबलेट अगर किसी गलत मेडिसिन की वजह से एलर्जी हो जाए तो उसके लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी व्यूअर्स बाज़ दफ़ा गलत दुआ की वजह से जिस्म पर सुर्ख किस्म के दबे नमूदार हो जाते हैं तो उसको ख़त्म करने के लिए भी ये टैबलेट इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके अलावा व्यूअर्स मल्टीपल स्क्लेरोसिस में इस्तेमाल कर सकते हैं। व्यूअर्स ये मरकज़ी एसाबी निज़ाम की बीमारी होती है यानी दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड। इस बीमारी में हंसी निज़ाम मुतासर होता है और इंसान की स्किन बेहस हो जाती है, यहाँ तक कि सुई चुभने से भी इंसान को पता नहीं चलता। तो व्यूअर्स इस बीमारी के लिए भी ये टैबलेट इस्तेमाल की जा सकती है और इसके अलावा व्यूअर्स डर्मोटाइटिस में ये टैबलेट इस्तेमाल की जाती है। इस बीमारी में स्किन पर सूजन पैदा होती है और सुर्ख दबे बन जाते हैं तो व्यूअर्स इस बीमारी में भी ये टैबलेट इस्तेमाल कर सकते हैं और ये टैबलेट अस्थमा यानी दमे के लिए भी ये टैबलेट इस्तेमाल की जा सकती है। दमे के लिए भी मुफीद और बेहतरीन टैबलेट है और इसके अलावा व्यूअर्स ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में ये टैबलेट इस्तेमाल की जाती है। इस बीमारी में ये होता है कि मुदाफियती निज़ाम गलती से जिस्म पर हमला करता है, हालांकि मुदाफियती निज़ाम का काम जरासीम से जिस्म का दफा होता है। तो व्यूअर्स ऐसी सूरत में भी ये टैबलेट इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके लिए भी बेहतरीन और मुफीद टैबलेट है। तो व्यूअर्स ये थे इस टैबलेट के फ़ायदे और अब जानते हैं साइड इफ़ेक्ट। व्यूअर्स इस टैबलेट को इस्तेमाल करने से ये साइड इफ़ेक्ट पैदा हो सकते हैं, थकावट महसूस हो सकती है, मुतली और उल्टी हो सकती है, ज़्यादा पसीने का आना हो सकता है, चेहरे पर दाने निकलना हो सकता है, नींद की कमी हो सकती है, दिल की जलन हो सकती है और इसके अलावा व्यूअर्स ज़बान का खुश्क होना हो सकता है। तो व्यूअर्स ये थे इस टैबलेट के साइड इफ़ेक्ट जो कि 100 में से किसी एक को हो सकते हैं। व्यूअर्स अगर इनमें कोई भी साइड इफ़ेक्ट होता है तो इस टैबलेट का इस्तेमाल बंद कर दें और अपने डॉक्टर से मशवरा करें। तो आप जानते हैं कि कैसे इस टैबलेट का इस्तेमाल करना है। व्यूअर्स हर बीमारी के लिए इसका इस्तेमाल मुख्तलिफ है लेकिन आम तौर पर दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि ये स्टेरॉइड्स हैं, इसलिए डॉक्टर के हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें और अपनी तरफ से कभी भी ये टैबलेट इस्तेमाल ना करें। तो व्यूअर्स ये थे इस टैबलेट के इस्तेमालात और इसी के साथ हमारी इन्फॉर्मेशन का एंड होता है। व्यूअर्स अगर हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को प्रेस करना ना भूलें।